Hello everyone, welcome to MadChem classes, and in this video I am going to tell you about that admit card of GATE 2022 are going to be available on their website from 15th of January. Yes, you heard it right, from 15th of January the admit cards are going to be made available on the GATE 2020 official website. So GATE 2022 ke kab exam hoga, kya exam dates change hongi, क्या आपका जो एडमिट कार्ड है वो काफ़ी लेट होने वाला है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से एग्ज़ाम डेट्स लेट होंगी या नहीं होंगी, इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया है जिसका लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां से आप उसे देख सकते हैं. और वहां पर मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि गेट का एग्ज़ाम या फिर नेट का एग्ज़ाम या फिर जैम का एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइकली टू बी पोस्टपोन, क्योंकि इस बार जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है जहाँ तक हमें ये बात सुनने को आ रही थी. तो इसलिए, और प्लस साथ ही साथ आप जो आईआईटीज होती हैं ना, उन्हें गेट का एग्ज़ाम कराने के लिए या फिर जैम का एग्ज़ाम कराने के लिए या फिर अब जब एनटीए आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम करा रहा है, तो सारे के सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो गए हैं. और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको अलॉटमेंट करानी पड़ती है, कि एग्ज़ाम सेंटर्स को अलॉट चेक करना पड़ता है ना, पहले से प्री बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर सेंटर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है और कब कौन सा सेंटर अवेलेबल है कब कौन सा सेंटर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कॉस्टिंग लगती है उसको बुक करने के लिए. तो इसलिए इनके ऊपर काफ़ी लोड होता है आईआईटीज के ऊपर या फिर एनटीए के ऊपर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए. तो इसलिए इन लोगों ने कोशिश यही करी है कि एक गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, और इसीलिए गेट के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो 15 जनवरी से अवेलेबल करा दिए जा रहे हैं. वॉट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हमें निकालना चाहिए? इसका मतलब अब हमें यही निकालना चाहिए कि हमें एक दिन वेट करना चाहिए और कल हमें पता चल जाएगा 15 जनवरी के दिन कि कब किसका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है. तो एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल किया गया होगा, डेट्स को रीशेड्यूल किया गया होगा, या फिर क्या भी क्या किया गया है, ये कल एडमिट कार्ड पर ही पता चल जाएगा. और काफ़ी सारे लोग इस पर नाराज़गी भी जता रहे हैं कि एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए था, अभी केसेस बढ़ रहे हैं. तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो वहाँ का स्टाफ होता है, दे आर क्वाइट सिंसियर, वो बहुत समझदार होते हैं. तो उन लोगों ने इन सारी बातों का ध्यान रखा होगा और एडमिट कार्ड में ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी. ठीक है, तो एडमिट कार्ड भाई आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, और साथ ही साथ जो जैम का एग्ज़ाम है और जो नेट का एग्ज़ाम है वो भी आप समझ लो टाइम से होने वाला है. तो सब लोग अपनी तैयारी को फिर से बूस्ट अप कर लीजिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए और लास्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आर लाइकली टू बी हेल्ड ऑन द टाइम एज दे हैव, या मतलब जैसे वो मतलब प्रीडिस पहले शेड्यूल किए गए थे वैसे ही एग्जाम्स होने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए, आईआईटी जैम केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए, गेट केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए, या फिर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की तैयारी घर बैठे करने के लिए, आप मैडकेम क्लासेस के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैडकेम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बेहतरीन ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, पीस आउट.